आवर प्रोडक्ट। आप देख रहे हो ये इसका आउटर पैकेजिंग है, इसके अंदर हमारा मेन प्रोडक्ट है। इसका जो फ्रंट है उस पर यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने लैक्मे 925 नेचुरल जेल काजल इन्फ्यूज विद एलोवेरा एंड कैलेंडुला ऑयल। इसलिए पूरी तरह से नेचुरल प्रोडक्ट है और ये लैक्मे कंपनी का है, तो वेल एंड गुड। लैक्मे जो है इंडियन कंपनी है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। और जो इसका जो वेट है वो 3 ग्राम है। यहाँ पर उन्होंने कंपनी की सारी डिटेल यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। इस साइड में इन्होंने यहाँ पे प्रोडक्ट का डिटेल दे रखा है और इसकी जो MRP है 400 रुपीज़ है और इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो 2 ईयर की है। कंपनी क्लेम करती है ये पूरी तरह से वाटर प्रूफ प्रोडक्ट है। आप इधर देख सकते हो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट है और यहाँ इसका जो कलर है वो है ब्लैक। अब मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ कि हमारा मेन प्रोडक्ट कैसा है। तो उसे मैं यहाँ से ओपन कर रही हूँ, ये कुछ इस तरह से ओपन हो रहा है। ये देखिए ये है हमारा मेन प्रोडक्ट जो कि एक पोर्ट में है, आप देख सकते हो। उसके साथ एक एप्लीकेटर रिसीव हो रहा है। तो ये हमारा जो मेन प्रोडक्ट है ये भी काफ़ी क्यूट है। स्पेशली इसकी अगर पैकेजिंग की बात करें तो आप देख सकते हो इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है, काफ़ी अट्रैक्टिव पैकेजिंग है। ये एक पॉट में है, ट्रांसपेरेंट पॉट है इसका। इसके ऊपर जो है ये गोल्डन रोज कलर का इसका कैप है। इसके साथ ये ग्रीन कलर का एप्लीकेटर है, एप्लीकेटर भी बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो। ये देखो, सो ओवरऑल ये प्रोडक्ट देखने में बहुत ही प्यारा है, इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है। और आप इसके बैक की बात करो तो इसके बैक में भी इसका कलर यहाँ पे मेंशन है ब्लैक, और इसे कब तक यूज़ करना वो यहाँ मेंशन है। इन द केस अगर आपका आउटर पैकेट खो जाता है तो भी कोई बात नहीं है, आपको पता है कि आपको ये काजल कब तक यूज़ करना है। सो अब मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह से यहाँ से ओपन हो रहा है और ये हमारा एप्लीकेटर है, इसके हेल्प से ही आपको अपना काजल अप्लाई करना है। सो ये देखिए, अगर इसके पिगमेंटेशन की बात करते हैं तो ये देखिए कुछ इस तरह का है। बट इसका एक डिमेरिट है, आप देख रहे हो कि एक बार में ये अच्छी तरह से अप्लाई नहीं हो रहा है, आपको बार बार इसमें डिप करना होगा, फिर आपको अप्लाई करना होगा, तब जाके ये काफ़ी अच्छा कलर देगा। ओवरऑल पिगमेंटेशन इसका बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो। सो अगर इस पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग पूरी तरह से हाइजेनिक नहीं है। अगर आपके हाथ से ये गिर जाता है तो ये पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। और एप्लीकेटर की बात करें तो एप्लीकेटर बहुत अच्छा है, ठीक ठाक एप्लीकेटर है। इससे आप अप्लाई अपना काजल कर सकते हो जैसा चाहो वैसा, मोटा या पतला आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अप्लाई कर सकते हो। इससे विंग लाइनर भी बन सकता है, बहुत अच्छे से बन सकता है। बट इसका जो एक प्रॉब्लम है कि आपको हर बार इसे क्लीन करना होगा, तो फिर ये आपके सेफ्टी पर्पज़ के लिए है। अगर आप इसे क्लीन नहीं करते हो बार बार, आप जब भी इसे यूज़ करते हो इसे ऐसे ही रख दोगे तो ये पूरी तरह से हार्ड हो जाएगा, फिर से अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसे सॉफ्ट बनाए रखने के लिए और अपने हाइजीनिक को अब बरकरार रखने के लिए आपको इसे हमेशा क्लीन करना होगा। क्लीन करने के लिए आपको, आप चाहे तो इसे वाटर से क्लीन कर सकते हो या फिर मेकअप रिमूवर से, या फिर आप वेट टिश्यू ले सकते हो, उसके हेल्प से आप इसे क्लीन कर सकते हो। अगर इसके स्टेइंग पावर की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। आपकी आंखों में ज़्यादा से ज़्यादा 1 और 2 आवर के आसपास आपकी आंखों में ये रहता है, उसके बाद ये फेड होना शुरू कर देता है। अगर आपकी आंखें बहुत ज़्यादा वाटरी है तो आपकी आंखों के लिए नहीं है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा वाटरी है तो ये आपकी आंखों के किनारे ये फैलना शुरू कर देगा। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो भी ये आपके इसलिए नहीं है, क्योंकि ऑयली स्किन वालों को भी ये प्रॉब्लम करेगा। अगर आप इससे लाइनर लगाते हो तो आपको काफ़ी स्वेट आता है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो लाइनर वो पूरी तरह से बिखर जाएगा और आपकी आँखें बिल्कुल काली हो जाएंगी। सो ये ऑयली स्किन वालों के लिए नहीं है। सो इसे ड्राई स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, बट अभी विंटर सीजन आ रहा है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये स्वेट की प्रॉब्लम हमें समर में होती है, तो ये समर के लिए नहीं है। अब बात करते हैं इसके वाटरप्रूफ होने की और स्मज प्रूफ होने की। तो फ्रेंड्स, ये वाटरप्रूफ यहाँ पर तो है और ये स्मज प्रूफ देख रहे हो, ये स्मज प्रूफ तो पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि सूखने में काफ़ी टाइम लगा रहा है। तो ये बहुत अच्छे, तो फ्रेंड्स ये स्मज प्रूफ नहीं है, बट हाँ ये वाटर प्रूफ है। ये वाटर से जल्दी से ये नहीं निकलता है। अगर आप इसे अप्लाई कर रहे हो और चाहते हो ये वाटर से निकल जाए तो ऐसा नहीं होगा। तो फ्रेंड चलिए अब इसके प्रॉस और कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो प्रॉस है वो ये है कि इसके साथ जो ये एप्लीकेटर आता है क्यूट है, काफ़ी अच्छा एप्लीकेटर है और बहुत ही अच्छे से ये काजल को अप्लाई कर देता है। इसके थ्रू, इसके हेल्प से आप आई लाइनर भी लगा सकते हो। एंड सेकेंड पॉइंट है कि ये काफ़ी हद तक ये ट्रैवल फ्रेंडली है, आप देख सकते हो ये टाइट है इसका कैप, तो ये ट्रैवल फ्रेंडली है। बट हाँ ये पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि ये 400 का है। बट मैंने इसे अमेजन से ऑर्डर किया था, तो आई थिंक मुझे रेट इसका प्राइस याद नहीं है, बट हाँ ये मुझे 400 से कम में मुझे मिला। सेकंड पॉइंट की बात करें तो ये स्मज प्रूफ नहीं है और ये आपकी आंखों पर ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करता है। आपको 1 और 2 आवर के बाद आपको इसको टचअप की ज़रूरत पड़ेगी और ये आंखों में फैलता है।
सो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ इस काजल का। जब भी मैंने इसे अपनी आँखों में अप्लाई करा है तो मुझे काफ़ी कूल एहसास हुआ है, बहुत ही ठंडक मेरी आँखों को लगी है। तो मुझे ये प्रोडक्ट एज इट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें ऑलरेडी एलोवेरा है, कैलेंडुला ऑयल है, जो कि हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा है। एलोवेरा जो है हमारी आँखों को ड्राई होने से बचाता है, और कैलेंडुला ऑयल जो है वो मैरीगोल्ड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है और जो कि आपकी आँखों को इन्फेक्शन से बचाता है। ओवरऑल फ्रॉम माई साइड दिस प्रोडक्ट इज़ वेल एंड गुड। सो मुझे तो ये प्रोडक्ट अच्छा लगा। अगर आपको भी ये प्रोडक्ट लेना है तो आप ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप इसे नहीं खरीद सकते हो, ये ख़राब है ऐसा कुछ नहीं है, ये अच्छा प्रोडक्ट है। बट हाँ, हर प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले आपको पैच टेस्ट लेना है। अगर आप इसे अपनी आँखों में अप्लाई करते हो, आपको इरिटेशन होता है, जलन होती है, खुजली होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप इसे कंटिन्यू ना करें। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।